Rahman Rahim. Question number seven. Sorry, question number six. Question number six mein kehta hai, a stone falls from a height of 60 meter on the ground. Ke 60 meter ki height se ek stone ground par gir raha hai. Yani ke 60 meter ki bulandi se pathar niche aa raha hai. The height h after x second, yani ke jo height hai wo function hai kiska time ka, function hai x ki form mein, is approximately given, wo is formula se aapko given hai. H of x is equal to 40 minus 10 x square. So, kehta hai height batao. Yani ki jab x ki value 1 second hai, to aapne batana hai height kya hai. Jab h of, yani ki x ki value 1.5 hai, to aapne batana hai height kya hogi. Aur jab 1.7 hai, to aapne batana hai height kya hogi. Yani ki simple hai, independent variable jo ki time hai, wo change karta ja raha hai. Aur dependent variable jo height hai, uski value aapne nikalni hai. फिर कह रहा है when does the ground the stone strike the ground और जब height zero हो जाएगी जब stone strike करेगा तो वो आपने x की value निकाल कर देनी है तो उसके चार यानी कि दो parts हैं करते हैं सबसे पहले क्या है function आपके पास six में जो given है वो लिख लेते हैं कि height जो के आपके पास dependent variable है वो height है और जो independent variable है वो time का है जिसको उन्होंने x की form में लिखा हुआ है तो पहले के ए पार्ट में कह रहा है जब आपके पास टाइम हुआ एक सेकंड एक्स की वैल्यू क्या है वन सेकंड है तो हाइट कितने मीटर होगी तो आप लिख लेंगे हाइट एट वन एक्स की जगह पर आप पुट कर देंगे वन तो 40 माइनस 10 इनटू वन का स्क्वायर वन का स्क्वायर भी वन ही होता है तो 40 माइनस 10 तो 40 में से 10 निकल जाए तो हाइट की वैल्यू आ जाएगी 30 तो एक सेकंड के बाद जो 60 मीटर से स्टोन फॉल किया वो कितने मीटर पर आ गया 30 मीटर्स पर आ गया इसी के बी पार्ट में कहता है जब टाइम आपके पास 1.5 सेकंड होगा तो हाइट कितनी रह जाएगी तो जहां-जहां पर एक्स है आप लिख देंगे 1.5 इधर भी और इधर भी 40 माइनस 10 इनटू 1.5 का स्क्वायर 40 माइनस 10 1.5 का स्क्वायर हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेते हैं लिखा हुआ है सबसे पहले रीसेट कर लेते हैं ठीक है माइनस 10 सॉरी पहले 1.5 ब्रैकेट का ये स्क्वायर का बटन होता है x स्क्वायर प्रेस किया तो x स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा 1.5 x स्क्वायर इज इक्वल टू 9/4 यानी कि 2.25 40 माइनस 10 इनटू 2.25 लिखा तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा 17.5 meters. So after 1.5 second, the stone hai, wo kis height par hai? 17.5 meter. ठीक है? इसी तरह इसमें C part में कह रहा है, जब x क्या होगा? 1.5 second. यानी कि after 1.5 second, what is the height? तो height अब आप x की जगह पर क्या put कर देंगे? 1.7 40 minus 10 into 1.7 का square 40 minus 10 ये complete value calculator पर लिखते हैं ठीक है complete value calculator पर लिख देते हैं ठीक है यहाँ पर आकर हम calculate कर देते हैं ठीक है तो 40 minus 10 into bracket डाली bracket के बाद 1.7 फिर bracket ये x square का button है लिखा तो ये आ गया ट्रिपल 1/10 यानी कि 11.1 मीटर्स तो जब हाइट आपके पास 1.7 हुई तो जो आपका स्टोन था वो किस पे आ गया तो ये आपके पास हाइट था आ गया अब कहता है इसी के नेक्स्ट पार्ट में व्हेन डज द स्टोन स्ट्राइक्स द ग्राउंड कब स्टोन ग्राउंड से स्ट्राइक करेगा व्हेन डज मतलब आपने टाइम फाइंड करना है स्ट्राइक द ग्राउंड जब एक स्टोन पत्थर जमीन से टकराएगा तो उसकी हाइट क्या हो जाएगी जीरो यानी के जो h of x है वो किसके इक्वल हो जाएगा जीरो के when stone strike the ground जब स्टोन यानी के पत्थर ग्राउंड से टकराएगा तो हाइट क्या हो जाएगी जीरो जीरो is equal to 40 minus 10 x square 10 x square की वैल्यू आ जाएगी 40 जीरो से जीरो कैंसल तो x square की वैल्यू आ जाएगी 4 ठीक है अब स्क्वायर रूट लेना है तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर रूट एक प्लस में और एक माइनस में तो x की वैल्यू आती है प्लस माइनस 2 अब टाइम कभी नेगेटिव तो हो नहीं सकता x इक्वल टू प्लस 2
एक्स इज नॉट इक्वल टू माइनस टू. माइनस टू के इक्वल क्यों नहीं है? टाइम विल नेवर बी नेगेटिव. टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं होता. टाइम नेगेटिव में कभी भी नहीं आता. टाइम विल नेवर बी नेगेटिव. तो जब टाइम क्या होगा? 2 सेकेंड. आफ्टर 2 सेकेंड, 2 सेकेंड के बाद स्टोन क्या करेगा? स्ट्राइक कर जाएगा ग्राउंड से. तो यही आपने फाइंड करना था कि व्हेन डज स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड. तो आपने कहा आफ्टर 2 सेकेंड स्टोन्स विल स्ट्राइक द ग्राउंड. ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग. चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ. चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ.